नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये हीरो की स्प्लेंडर प्रो है। इसकी हेड की जो पैकिंग है बीच वाली ब्लॉक और हेड में जो बीच में लगती है वो बार बार लीकेज कर जा रही है। ये जिनका बाइक है उन्होंने कहा कि मैंने 4-5 बार इसका चेंज कराया फिर भी ये लीकेज हो जा रही है, तो मैं इसे कैसे ठीक करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई फॉल्ट नहीं होता। चलिए मैं पहले स्टार्ट करके इसे देखता हूँ। देखें, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा पेट्रोल डालता हूँ कि पता चले कि यहाँ से लीकेज है। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ। देख रहे हैं, इस जगह से लीकेज है, तो इसी जगह से बार बार लीकेज कर रहा है। तो इसके लिए हम इसका पैकिंग चेंज करेंगे और पहले देखेंगे खोल करके इसमें क्या फॉल्ट है जो बार बार इसका ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ, हेड और ब्लॉक को। पूरा हेड और ब्लॉक खोल कर इसे अलग कर ले रहा हूँ, ब्लॉक नहीं खोलूँगा, सिर्फ हेड खोलूँगा और साइलेंसर वगैरह सारा चीज़ खोल कर। चलिए मैं इसे चेक कर लेता हूँ क्या है और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसे पूरा खोल ही लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं क्या है, खोलने के बाद पता चलेगा। तो इसे हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ तो सब ठीक ठाक दिख रहा है। ब्लॉक में भी सब ठीक ही ठाक है। इसका साफ करके देखता हूँ हेड को, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए दाग है, कट का दाग है। ये लगता है कोई चीज़ से चोट वगैरह का निशान है, तो इसी से ये लीकेज कर रही है। तो हमें इसे फ्रेश करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे पहले पूरा फ्रेश करूँगा फाइल से इसको घिस कर प्लेन करूँगा, उसके बाद मैं इसे लगाऊँगा। तो चलिए मैं इसे घिस लेता हूँ फाइल और फ्रेश पेपर से। मुझे इसे घिसना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ये फाइल है, इससे मैं इसे बराबर करूँगा, प्लेन करूँगा। चलिए मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये देख रहे हैं, ये लगभग प्लेन हो चुका है। इसके लिए पूरा बॉडी में फाइलिंग करना पड़ेगा, एक साइड फाइलिंग करने से नहीं होगा। ये देख रहे हैं, ये लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो अब मैं इसे फिटिंग करूँगा, पैकिंग डालकर हेड को फिर से फिटिंग कर लूँगा, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या है, लीकेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक साइड फाइलने मारे, एक साइड मारने से तिरछा हो जाएगा वो और वापस वो लीकेज करता ही रहेगा। तो चलिए मैं इसमें पैकिंग नया डालकर इसे फिटिंग कर ले रहा हूँ, नया पैकिंग डालूँगा और फिटिंग करने के बाद मैं चेक करता हूँ इसका क्या हाल है। चलिए फिटिंग कर लेता हूँ। तो इसे हमने फिटिंग कर दिया पूरा, देख रहे हैं। अब मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, ये नहीं लीकेज कर रहा यहाँ से। मेरे ख्याल से लीकेज परमानेंटली बंद हो जाएगा। अगर फॉल्ट आती है तो तुरंत फॉल्ट नहीं आएगा, बाद में फॉल्ट आएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये नहीं आएगा फॉल्ट, क्योंकि वो चोट का निशान था वहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो इसके लिए मुझे फाइल खरीदना पड़ा, न्यू फाइल तो भेजने के लिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप ये कर सकते हैं, ऐसा करने बाद आपका कंप्रेसर लीकेज का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।